हेलो फ्रेंड्स, जय जय श्री राधा सभी को। स्वागत है आपका लल किचन गार्डन कुकशॉप चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम मिट्टी को जिंदा कैसे करते हैं। जो मिट्टी में हमारे माइक्रोब्स ख़त्म हो चुके हैं या फिर जिन मिट्टी में हमारे बिल्कुल धूप पड़ चुकी है 15-20 दिनों की, 2-4 दिनों की तेज़ धूप, आप लोग देखेंगे ये मिट्टी हमारी इसमें बहुत ज़्यादा लगभग बहुत सारी 1 लाख करीब सुपर चीटियाँ थी। आप देखेंगे मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। अब इसमें हम लोग सॉइल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हमने आपको कई बार सॉइल प्रिपरेशन स्टरलाइजेशन पर बात की है, सोलराइजेशन पर बात की है। तो सबसे पहले तो हम लोग आपसे बात करते हैं कि सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है, मीन्स सॉइल स्टरलाइजेशन क्या होता है। मिट्टी को धूप दिखाना ताकि उससे चीटी है या फिर कोई फंगस है सभी चीज़ भाग जाए। ये देखिए सारा आपको ऑर्गेनिक वेस्ट हमारी सॉइल में दिखेगा। तो क्या होता है, हमारी मिट्टी में दिक्कत होती है, ऐसे में क्या है, अगर हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट भरेंगे और जब तक मॉइस्चर होता है तब तक माइक्रोब्स रहते हैं, तब तक माइक्रोब्स पूरे मर जाते हैं। जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, सभी तरह के बैक्टीरिया ऐसे में ख़त्म होते हैं। तो ये इस तरह का स्टरलाइजेशन हम लोग निमेटोड से बचने के लिए करते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए पहली बार सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हम लोग 30% खाद मिलाते हैं। तो समझ लीजिए आपकी बेजान मिट्टी, तो इसमें हम लोग खाद मिलाएंगे। क्या आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इसमें खाद मिला रहे हैं। तो इतनी मिट्टी में लगभग अभी हम लोग 20% खाद मिलाएंगे, क्योंकि खाद तो इसमें होगी और ऑर्गेनिक मटेरियल पे हमको बहुत ध्यान देना है। और सॉइल स्टरलाइजेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको धूप में खा लेनी है। और जो मिट्टी हमारी जैसे मान लीजिए तैयार हो चुकी है, हम लोग जो मिट्टी को कंटेनर में भर के यूज़ करते रहते हैं, 2-4 सीज़न आपने यूज़ कर लिया, अगर बिगनर है तो वो बात अलग है, 2-4 सीज़न अगर हमने यूज़ कर लिए उसकी जो सॉइल रहती है उसको हम लोग 60% से धूप में खाते हैं लगभग 2-3 घंटे की गर्मी में, ताकि हवा लग जाए बस, उसमें जो बैक्टीरिया अच्छे नहीं है वो ख़त्म हो जाए बस। तो देखिए इस तरीके से हम लोग ने इसमें अपनी खाद डाली है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब आप लोग देखेंगे इसमें हम लोग इसमें डाल रहे हैं राख। राख हम लोग 1 मुट्ठी के करीब डालेंगे और पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट से हमको उसमें काम करना है। ऑर्गेनिक वेस्ट से हम लोग जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट अपने कंटेनर से अपने सॉइल में भरेंगे, ये गमले में भरेंगे, उतनी अच्छी आपकी मिट्टी तैयार होती है। और जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी आपके प्लांट्स होंगे। तो देखिए हमारे इसमें बहुत सारी चीटियाँ थी, पूरी चीटी भाग चुकी है। आपको हम इधर से दिखाते हैं, पास से दिखाते हैं आपको। तो आप लोग देखेंगे, देखिए पूरी मिट्टी सूख चुकी है, बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम लोग इसमें कंटेनर में भरने का भी तरीका देखते हैं। कंटेनर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतनी धूप में काम करना बहुत कठिन होता है। या आप देखिए, हमने कंटेनर लिया है, अच्छा बड़ा गमला है, लगभग 12 इंच से बड़े का। इसमें हम लोग सभी टमाटर की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, नीचे सॉइल भरना है। नीचे सॉइल हम लोग थोड़ी सी भरेंगे, उसके बाद में जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम लोग ऐड करेंगे। सूखे पत्ते हैं, गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, चाय की पत्ती हैं, फूल हैं, सभी तरह के आप लोग वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलके हैं सूखे हुए, इस तरह का सभी आप लोग ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें भर लें। लगभग 2-3 इंच की लेयर हम लोग इसमें बना देंगे, क्योंकि हमने इसमें खाद अच्छे से डाली है तो ऑर्गेनिक वेस्ट थोड़ा सा कम भी होगा, तो कोई बात नहीं। ये देखें आप लोग, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और बाकी जो हमारे पहले की जो ये तुलसी की जो टहनियाँ थी, हम लोग इसमें वापस डाल रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से डालेंगे और बस हमारी सॉइल का काम हो गया। अब हमको सिंपली अपनी सॉइल इसमें भर देनी है। अगर आपका कंटेनर बड़ा है तो आप लोग 2-3 इंच तक ऐसा काम कर सकते हैं, मीन्स 2-3 लेयर, पहले थोड़ा लेयर मिट्टी की डालें, फिर उसके बाद सॉइल की डालें। बस अब हम लोग इसी तरह से पूरा कंटेनर को फिल कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, पानी देके लगभग 15-20 दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे, रोज़ पानी देंगे। शेड के नीचे हम लोग रखते हैं, उस पर हमने कंटेनर लगाने शुरू किए। अभी हम आपको बहुत जल्दी अपने गार्डन का पूरा न्यू टूर दिखाएंगे। और जैसे ही बारिश आएगी तब हम लोग इसमें टमाटर की सीड सोइंग कर देंगे। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद जब पौध तैयार होगी इसमें शिफ्ट होगी। तो कोई लोग कहते हैं कि पत्ते से जो गर्म गैस निकलती है उससे आपके प्लांट को नुकसान होगा, तो हमें सबसे पहली बात तो प्लांट को तुरंत लगाना ही नहीं है। लगभग 1 महीने के बाद हम लोग इसमें सीडलिंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे। ये देखेंगे इस तरीके से हमने पूरी मिट्टी भर ली है। अब हम इसमें अच्छे पानी डालकर मॉइस्चर प्रदान करेंगे। ये देखिए, रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी नमी बनानी है। पहली बार जब आप लोग पानी देते हैं किसी कंटेनर में, इतना दें कि नीचे से भर जाए। और नीचे खास बात का ध्यान रखें,
कोई भी कपड़ा ग्रीन नेट या फिर जैसे हमने पत्थर का टुकड़ा लगाया वैसे लगा दें ताकि आपकी मिट्टी बाहर ना आए और पानी ना रुके। बस यही वीडियो था, सिंपल सी बात थी आपको समझाई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।